सो गाइस गड़ीना ने जैसा बोला था कि अल्फा इनवेप हमारे गेम के अंदर 17 दिसंबर को आ जाएगा, बट अभी तक तो आया नहीं है, पूरा दिन बीत चुका है। बट गाइस आज की ये वीडियो अगर आप सभी लोग पूरी देखते हो ना, तो आज की इस वीडियो में 100% कन्फर्म मैं बता दूंगा कि भाई कब तक आप सभी को हमारे गेम के अंदर अल्फा इनवेप देखने को मिलने वाला है, किस तरीके से आप सभी लोग डाउनलोड करके इस मैप को खेल पाओगे। एंड हाँ, विंटर इन्विटेशनल का यहाँ पे क्या सीन रहने वाला, रिडीम कोड कब मिलेगा, रिडीम कोड के रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडीम कोड का यहाँ पे क्या सीन रहने वाला, रिडीम कोड कैसे कब और कितनी बजे मिलेगा, कितनी तारीख को मिलेगा, इसी बात पे अब तो बोलना ही पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड इसी के साथ बहुत सारे प्लेयर्स का क्वेश्चन था कि भाई हमारे गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप कब तक देखने को मिल जाएगी, मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास होगा या फिर नहीं होगा, तो भाई टेंशन काहे को लेते हो भाई, मैं हूँ ना बताने के लिए, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एंड आप सभी को पता है हमारे गेम के अंदर नई स्काईविंग की स्किन आने वाली है, जो कि लुक वाइज काफी ओसम दिखती है यार, और ये तो कुछ भी नहीं, आप सभी को पता है सबसे खतरनाक चीज, इसका जो एंट्री एनिमेशन है ना भाई, क्या ही तो लग रहा है, वाह क्या सीन है। तो ये स्काईविंग की स्किन एंड एंट्री एनिमेशन कब तक आप सभी को हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड कौन से इवेंट के अंदर आएगा भाई वो भी बता दूंगा। तो भाई लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना बिना स्किप किए, एंड जो भी भाई लोग नए आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, एंड इस वीडियो को अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना। सो चलो यार, होपफुली कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दिया होगा एंड वीडियो को शेयर कर दिया होगा। एंड हाँ, रिडीम कोड के लिए आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो भाई, तो भाई लोग सबसे पहले हम बात कर रहे थे मिस्ट्री शॉप के बारे में। सो हमारे मिस्ट्री शॉप का प्री एक्सेस मिल चुका है फाइनली, तो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ इंटरफेस, मतलब कि लुक वाइज कैसा क्या दिखने वाला है, ठीक है। तो भाई बाहर से आप सभी लोग देख सकते हो, आप सभी को कुछ अपना लुक ट्राई करना होगा, एंड 90% रॉबी मिलता है, 80% रॉबी मिलता है, 60-70% रॉबी मिलता है। अब बात करते हैं क्या मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास होगा या फिर नहीं होगा, तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो गाइस हां, हो सकता है कि मिस्ट्री शॉप के अंदर आप सभी को इलाइट पास देखने को मिल जाए। कितनी ऑसम है यार, जैसा कि आप सभी को पता होगा लास्ट 4-5 महीनों से हमें इलाइट पास डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और उस टाइम तो कुछ खास इवेंट भी नहीं चल रहे थे, बट अभी हमारे गेम के अंदर चल रहे न्यू एज इवेंट है, एंड जो हमारे मिस्ट्री शॉप रहने वाली ना पूरी की पूरी न्यू एज इवेंट पे बेस्ड रहने वाली है। तो हाँ, हो सकता है कि मिस्ट्री शॉप के अंदर आप सभी को इलाइट पास देखने को मिल जाए। वैसे अभी तक तो मैंने इलाइट पास नहीं लिया है, किस किस ने ले लिया इलाइट पास अभी तक कमेंट करके जरूर से बताना, एंड जिसने नहीं लिया ना वो तो बोल ही दो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो चलो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं न्यू मैप के बारे में जिसका नाम अल्पाइन है। सो उस मैप के आने की डेट थी 17 दिसंबर, बट अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया है। सो उस मैप के आप सभी को कंफर्म डेट एंड टाइम बता दूं, कब तक आप सभी को वो मैप हमारे गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये जानने के लिए आप सभी को सिंपली अपने गेम के अंदर आ जाना, इवेंट्स वाले पेज पे आना, इन्फॉर्मेशन के अंदर आना, न्यू एज के अंदर। सो यहाँ पे आप सभी को सिंपली देखने को मिल जाएगा कि हमारे गेम के अंदर नया अल्पाइन मैप कब तक देखने को मिल जाएगा। सो सिंपली स्टोरी पे आप सभी को टैप करना, जैसे आप स्टोरी पे आ जाते हो तो यहाँ पे देखो 28 दिसंबर दिखा रहा है कि 28 दिसंबर अल्पाइन, यानी कि 28 दिसंबर के दिन आ ही जाएगा, बट ये भी कन्फर्म नहीं है। कैसा लगा, बट उसके आगे भी कुछ यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दोगे ना, तो आप सभी को सिंपली मैप वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे दिखा रहा है वीआर मोड 27 दिसंबर के दिन ओपन होगा, जो कि इसी मैप के अंदर आप सभी लोग खेलोगे, एंड उसके बाद जो प्ले दिखा रहा है ना वो 1 जनवरी 2022 दिखा रहा है। एक बात पे ध्यान दो, आप सभी को बताओ हमारे गेम के अंदर जो बर्मुडा रिमास्टर्ड फर्स्ट टाइम आया था ना, तो कुछ 10 या 15 दिन के लिए आया, एंड उसको रिमूव करके कुछ टाइम के बाद वापस से हमारे गेम के अंदर लाया गया है। तो भाई हो सकता है 27 के दिन आप सभी को एक दो गेम खेलना दिया जाए इस नए मैप के अंदर, एंड उसके बाद 1 जनवरी 2022 के दिन यानी कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन इस मैप को क्लासिक मोड के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। अब आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में भाई, कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी तो सच बता रहा हूँ भाई, ये मैप्स के क्या ही तो ग्राफिक्स हैं, एंड इस मैप में जो टॉप प्लेसेस है ना भाई, स्वाद आ जाएगा भाई गेम खेल के। और हाँ, एक बात तो पूछी ही नहीं मैंने, आप सभी लोग इस मैप को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैप को लेकर, मेरा बस चले तो अभी के अभी मैप को डाउनलोड करके खेलने भी लग जाऊं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ भी बोलो भाई, इस मैप का जो टेक्सचर है ना भाई काफी ओसम है, एंड टॉप प्लेसेस में आप सभी को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, तो भाई देख लो भाई क्या ही तो ग्राफिक्स है भाई। भाई इस मैप को हाई एफपीएस पे खेलेंगे ना तो भाई स्वाद आ जाएगा भाई। वैसे मैं अभी इतना ज्यादा गेम खेलता नहीं हूँ, बट ये मैप जिस दिन आ गया ना भाई उसके बाद गेम ही गेम खेलूंगा, मतलब कि तुम्हारा भाई इतना गेम खेलेगा किसी ने सोची ना होगी। एंड आप सभी लोगों से एक बात पूछनी है, आप सभी लोग दिन में कितने घंटे गेम को प्ले करते हो, तो भाई एक बार कॉमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस, अब हम बात करते हैं जो तड़कती भड़कती सी स्काईविंग की स्किन आने वाली हमारे गेम के अंदर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे विंटर इन्विटेशनल रिडीम कोड के बारे में। चलो भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना।
तो भाई ये जो स्काइविंग की स्क्रीन आप सभी लोग देख पा रहे हो ना, भाई सच बता रहा हूँ गरीना ने इसमें दिमाग तो बहुत लगाया होगा। एंड सच में भाई लुक वाइज काफी अच्छी स्क्रीन मुझे लग रही है। एक बात तो बता, जो भी पार्टनर वगैरह में जो यूट्यूबर्स जिनको नया मैप का प्री एक्सेस मिला है, वो सभी लोग जो मैप की स्ट्रीम कर रहे थे, मैप की वीडियो डाल रहे थे ना, तो वहाँ पे जो एरोप्लेन के सामने ये वाला स्काइविंग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या आप सभी के पास ये वाली स्काइविंग की स्क्रीन रहेगी, तो क्या आप एरोप्लेन के आगे उड़ पाओगे? सीरियसली भाई मैं कैसी बातें कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री एनिमेशन के बारे में, फिर बताऊंगा कि दोनों के दोनों कौन से इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, कितने डायमंड में आप सभी लोग निकाल पाओगे। सुबह एंट्री एनिमेशन आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या ही तो लग रहा है भाई। अगर मुझे पता होता ना कि गरीना फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी चीज लाने वाला है, तो भाई मैं जो बोया बंडल निकाला है 5000 डायमंड के अंदर, भाई वो मैं निकालता ही नहीं। कौन कौन इस एनिमेशन को निकालने वाला है कॉमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते कौन से इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फर्स्ट इवेंट का नाम है फेडेड व्हील, जिसके अंदर आप सभी को पता है मिनिमम 1000 डायमंड के अंदर रेयर आइटम निकल ही जाता है। कुछ भी बोलो, अब तक के जितने भी पेड इवेंट आए हमारे गेम के अंदर, सबसे अच्छा इवेंट मुझे फेडेड व्हील ही लगता है। इसमें मिनिमम पता रहता है कि 1000 डायमंड के अंदर रेयर आइटम मिल तो जाएगा। हो सकता है कि आप सभी को फेडेड व्हील के अंदर ये दोनों आइटम देखने को मिल जाए 25 के दिन या फिर उससे पहले भी देखने को मिल जाए। अगर फेडेड व्हील के अंदर नहीं आए ना, तो भाई टोकन टावर इवेंट के अंदर तो आ ही जाएगा। टोकन टावर इवेंट तो सभी को पता होगा, जिसमें कोबरा बंडल आया था, जिसमें ये वाला जो बोया बंडल भी आया था। टोकन टावर इवेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कोई अलग से रॉयल देखने को मिल जाए लक रॉयल के अंदर, जिसमें स्काई विंग एंड जैसे मैकलेलन का आया था, मैकलेलन की गन स्किन थी, फिर मैकलेलन का एनिमेशन वगैरह भी था कुछ ऐसा ही। हो सकता है कि एक लक रॉयल देखने को मिल जाए। कौन से इवेंट के अंदर आएगा तब अब इसको निकालने वाले हो भाई कॉमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते हैं रिडीम कोड का, यहाँ पे क्या सीन रहने वाला, रिडीम कोड कब कैसे कितनी तारीख को कितनी बजे मिलेगा। एक बात बताओ, अभी तक तो इतना भी कंफर्म नहीं है कि भाई रिडीम कोड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी तक लीक डे मैच के 2 दिन निकल चुके हैं। अगर कुछ रिडीम कोड जैसा सीन रहता तो भाई पहले ही ये कम्युनिटी पोस्ट डाल देता, फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट आ जाता कि लाइव वॉचिंग माइलस्टोन कंप्लीट करवाओ। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि रिडीम कोड नहीं मिलेगा, मतलब कुल मिला के अभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं रिडीम कोड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना होगा, क्योंकि देखो जैसे रिडीम कोड और रिडीम कोड से रिलेटेड और भी कुछ आता है तो मैं तुरंत से वीडियो बनाकर डालता हूँ। हर बार की तरह सबसे पहले आप सभी को रिडीम कोड देने की ट्राई करता हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। एंड जो बंदे बोल रहे फाइनल कब रहने वाला है, तो फाइनल रहने वाला 19 दिसंबर के दिन। बाई चांस कभी अगर आप सभी को रिडीम कोड देखने को मिले भी गाना, तो आप सभी को उसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, फ्री फायर स्पोर्ट इंडिया के चैनल पे। एंड 19 दिसंबर के दिन देखने को मिल जाएगा, लाइव वॉचिंग माइलस्टोन कंप्लीट करवाना होगा। बट उससे पहले एक पोस्टर निकल गया माइलस्टोन का, वो पोस्टर मैं आप सभी को दिखा दूंगा, उससे पहले वीडियोस बना दूंगा। मैं टेंशन मत लो, बस सब्सक्राइब करके रखो भाई, मेरी गारंटी रिडीम कोड मिस नहीं होने दूंगा। बाकी तो बताओ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।